हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस वीडियो सीरीज की 3 नंबर वीडियो है हिंदी के वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आपका जो 3रा चैप्टर है, जिसका नाम है कि भारत से हम क्या सीखें, और उसके लेखक है दोस्तों मैक्स मूलर। इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित सभी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, पूछ रही है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। यानी कि दोस्तों, मैक्स मूलर जो है वो निम्नलिखित में से कौन से पाठ लिखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखें। इसके बाद दोस्तों आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों पूछा जा रहा है मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। यानी कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको दोस्तों बताना है। ए ऑप्शन आपको दिया गया इंग्लैंड, बी ऑप्शन आपको दिया जाता है जर्मनी, सी ऑप्शन आपको अमेरिका दिया गया है, और डी ऑप्शन आपको श्रीलंका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 2 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी। यानी कि दोस्तों मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। इसके बाद आपका जो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत कहाँ बसता है। और पहला ऑप्शन आपको दिया गया है दिल्ली के पास, दूसरा ऑप्शन गांधी में, तीसरा ऑप्शन शहरों में, और चौथा ऑप्शन दिया है लोगों के मन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो डी हो जाएगा। मैक्स मूलर ही ऐसा बोले थे कि भारत मनों में बसते हैं, लोगों के मन में बसते हैं, तो लोगों के मन में यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था। पारसियों दोस्तों, जो पर्शिया के रहने वाले लोग होते हैं उसको पारसी बोलते हैं। तो पारसियों यानी कि पर्शिया के रहने वाले लोगों का जो धर्म था, उस धर्म का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपको बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म, और सी ऑप्शन है दोस्तों वैदिक धर्म, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है जरथुस्ट। जरथुस्ट, तो यहाँ पर आपका जो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जरथुस्ट। इसके बाद आपका दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। आप लोग साथ साथ ऐसे ध्यान से वीडियो को देखिए, ताकि आप लोग जो है साथ साथ पढ़ते भी चले और याद भी रखने का कोशिश करें, और इस तरह से आपका जो है तैयारी भी दोस्तों अच्छा से होता चला जाएगा। तो साथ साथ आप लोग याद करने का कोशिश करें। यहाँ पर आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैक्स मूलर का जो पूरा नाम था दोस्तों, यहाँ पर आपका 6 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। यहाँ पर आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि भारत की पुरातन भाषा कौन सी है। पुरातन भाषा बोलने का मतलब है दोस्तों बहुत ही पुराना भाषा। तो यहाँ ये पहला ऑप्शन आपको हिंदी दिया गया है, दूसरा देवनागरी दिया गया है, और जो सी ऑप्शन है वो खड़ी बोली, और डी ऑप्शन संस्कृत दिया गया। तो 7 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संस्कृत। और संस्कृत दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी दोस्तों इंडियन लैंग्वेज हैं सभी के जन्मदाता माने जाते हैं, जितने भी भाषा आप समझते हैं दोस्तों, हिंदी भी दोस्तों संस्कृत से ही निकला है। तो संस्कृत दोस्तों आपका इंडिया का सबसे पुराना भाषा है, और संस्कृत को हम सभी भाषाओं का जननी भी मानते हैं। इसके बाद आपका जो अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था, 8 का जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आधुनिक जर्मनी के डोसार्ड में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट किसने तैयार की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्निंगहम। इसके बाद आपका जो दोस्तों
10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि हैसिंगटन को वाराणसी के पास कौन से सिक्के मिले थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि दोस्तों दारिस। इसके बाद जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि वारेन हैसिंगटन को दारिस सिक्के कहाँ मिले थे। ये क्वेश्चन इसी का दोस्तों रिवर्स है, कहाँ मिले थे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी में दारिस सिक्के उनको मिले थे। इसके बाद आपका जो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों पूछा जाए कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो 12 का सही आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि वारेन हैसिंगटन। इसके बाद आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं आपका जो है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों नीति कथा के कारण। और ये भी क्वेश्चन 2018 में दोस्तों पूछा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।